नमस्कार वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और 3 से 4 दिन के लिए के अंदर अपनी पर्सनल रीडिंग पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और वर्गों अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आगे वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। द लवर्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गों आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वाद विवाद बढ़ रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करता, कोई उन पर बिलीव नहीं करता, वो अकेले पड़ गए हैं, परेशान हो गए हैं और पैसे से लेकर भी काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें उनकी लाइफ में आ रही हैं। और वो उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी वो उसी बंदे पर अटके हुए हैं या वही इंतज़ार करना चाह रहे हैं जो उनके पास अब नहीं है, जो जा चुका है। और वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं और उनके पास उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना चाह रहे, वो उसी पर अटके हुए हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कब वो प्यार, वो मोहब्बत वापस उनकी लाइफ में आए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि वो महसूस करें कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, अट्रैक्शन है, काफ़ी एक दूसरे के लिए वो बने हैं। तो और वो फील कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो वर्गों के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझा रहा है, वो एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एडिक्शन भी है। तो वो चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाए, बातें की जाए और जो एडिक्शंस हैं, जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो इस रिश्ते में परेशानियां दिक्कतें पैदा कर रही हैं, वो चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर इन चीज़ों को सुलझाया जाए। और अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो इस रिश्ते में यूनिवर्स ब्लेस करने वाले हैं, काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। तो समय रहते बिना वक्त गवाए खाली वो अट्रैक्शन को ना देखें, इसकी एडिक्शंस को भी देखें और उनके बारे में आमने सामने बैठकर उन बातों का जिक्र करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहें, ज़्यादा परेशानी में ना रहें, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है कम से कम उसे एक बार ग्रैब करें और उसके साथ चलें। अगर वो उनको ठीक लग रही है तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं और उन्हें लोगों पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। अंधविश्वास ना करके इतना विश्वास जरूर कीजिए ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें और उन्हें उन चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करने की ज़रूरत है जो उनके लिए बाधाएं पैदा कर रही हैं। तो ऐसा वो महसूस कर रही है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या है, वर्गों की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गों इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनके पास काफ़ी ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो एक भ्रम जाल में है, एक फंसे हुए हैं कि वो किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए, वो सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको एक वो
फील कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा और एक मन बनाकर उस पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो इसी तरह इधर उधर भटकते रहे तो काफ़ी परेशानी काफ़ी दुख तकलीफ उनको झेलनी पड़ सकती है और उनको लग रहा है कि वो काफ़ी वो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, काफ़ी उन जो उनके पर्सन हैं उन्होंने उनको काफ़ी धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा कोपा है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अपने आप को घिरा घिरा सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक आशा बनाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि वो फिर भी इस रिश्ते में उठकर खड़े होकर चलना चाहते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें एक बार एक कोशिश और कर लेनी चाहिए और अगर वो कोशिश करते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस उम्मीद के साथ वो उठकर खड़े होकर एक बार अंधेरे के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो चाहते हैं कि अगर वो कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में एक ज्योति फिर से प्रज्वलित हो सकती है, दोबारा से रिश्ता ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इस उम्मीद के साथ वो एक अपना इस रिश्ते को उठकर खड़े होकर आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, संयम में रहे, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले वो, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल देते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, दुख तकलीफ होती है, भले ही वो चाहे एक यंग एनर्जी में है, लेकिन फिर भी चाहे उनमें बचपना है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके ही अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, वो लोगों का इस्तेमाल ना करें, इंसानों का इस्तेमाल ना करें, चीज़ों पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और जो चीज़ें उनको बाधाएं दे रही है, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें। तो वो जो वर्गो हैं वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत चाहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, उनको एक उम्मीद है कि अगर वो दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है और एक मन एक विचार बना करके वो इसमें काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं वो अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, अगले 72 आवर्स में वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्सिटी कार्ड में प्लीज कि वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स एंड फाइव ऑफ वांड्स। तो जो वर्गों के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो फाइट चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है, जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके, इस वाद विवाद को ख़त्म करना करके वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार से प्रेम से वो महसूस करें कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा है और वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही शायद प्यार है, प्रेम है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को और वो चाहते हैं कि समय रहते, वो यही एक्शन चाहते हैं वर्गों के पर्सन के, समय रहते इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाए, उसका ऑप्शन ढूंढा जाए कि किस तरह से इस रिश्ते में एक बिगनिंग की जाती है, एक शुरुआत की जाती है और ये रिश्ता पहले जैसा फ्रूटफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो वो
इसमें इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके, इस कॉन्फ्लिक्ट इस झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करके प्यार और प्रेम से इसमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपना प्यार जाहिर करेंगे तो उनके बदले में उन्हें प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, और वो चाहते हैं कि समय रहते इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहने वाली है, इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, कि इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में ईगो हर्ट हो रही है, जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो माइंड गेम हो रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करें। अगर वे यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर वर्को अपने पर्सन के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो वो उनके साथ माइंड गेम खेलना छोड़े, उनकी भावनाओं के साथ मैनिपुलेट करना छोड़े, और अगर उनके साथ उनके पर्सन या कोई दूसरा पर्सन माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो उनको समझें, पहचाने और उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, अपने आप को इस एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करें। और वो अगर इस मैन इस ये माइंड गेम खेलना नहीं छोड़ेंगे तो अगर उनका जो उनकी ईगो है वो जीत भी जाएगी तो उनके अंदर का इंसान हार जाएगा और आगे उनको उन्हीं को ही परेशानी, दुख, तकलीफ होगी। तो इसलिए यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इस माइंड गेम को, इस मैनिपुलेशन को ख़त्म करके इस रिश्ते में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो अट्रैक्शन है, उसको, प्यार को देखें, मोहब्बत को देखें, क्योंकि ये एक आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, ये एक दो जन्म का नहीं है। तो वो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग हो, एक शुरुआत हो और कमिटमेंट वगैरह हो, और लॉन्ग टर्म में जाकर ये रिश्ता शादी के बंधन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, और इस प्यार को समझें, अगर तो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई संदेश एक दूसरे को दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो अगर वर्गो अपने या तो वर्गो अपने पर्सन की तरफ कोई मैसेज, गुड न्यूज़ लेकर जाएं और इस ये प्यार का कप लेके जाएं, इस रिश्ते में बिगनिंग करें, शुरुआत करें, या फिर वर्गो के पर्सन उनकी तरफ ये प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, ये रिश्ता लेकर आ सकते हैं, ताकि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, नेम और फेम बढ़े। इस रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है, काफ़ी एक दूसरे से लगाव है, और ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, एक जन्म का नहीं। इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी इसमें आत्मिक रिश्ता है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में जाकर शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर करें, और वैसे भी मेरा चैनल है नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में खुशी देता है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर दें, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।